और आइए इस वक्त सीधा आपको ले चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये आपूर्ति को मॉनिटर कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया था, उसके तहत राज्य सरकारों ने लगभग 62 लाख टन गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम से लिफ्ट कर लिया है। रेलवे ने 13 लाख वैगन से अधिक और 26,972 रेक्स द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को सुनिश्चित किया है। सिविल एविएशन मंत्रालय 416 लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट का संचालन कर 781 टन आवश्यक मेडिकल कार्गो को भारत के दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचा रहा है। ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, परंतु इस आवाजाही को और पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक्स को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए, चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन एवं फील्ड एजेंसीज इन निर्देशों का पालन करें। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा अपने जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनका जो योगदान दिया जा रहा है कोविड-19 की लड़ाई में, उसके बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जैसे असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल और हमारी NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सभी कोरोना की इस लड़ाई में विशेष योगदान दे रहे हैं और अपने संसाधनों और मैन पावर से लोगों को हर यथासंभव मदद पहुंचाने में 24 घंटे हर 7 दिन लगे हुए हैं। देश के कई भागों में ये बल हॉटस्पॉट एरियाज में लॉकडाउन के अनुपालन के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर देश में अपने 32 अस्पतालों में लगभग 1900 बेड कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए संरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त इन बलों ने कई क्वारंटाइन सेंटर भी स्थापित किए हैं और जरूरतमंद लोगों की के लिए खाद्य सामग्री, सूखा राशन, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का वितरण भी कर रहे हैं। ये बल आम जनता में कोविड-19 से संबंधित जागरूकता भी फैला रहे हैं। इन सब भी बलों ने कोविड पेशेंट्स की मदद के लिए रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया है। इनके फैमिली वेलफेयर और वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन भी काफी योगदान दे रहे हैं। जैसा आप लोग को पता होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसके 3 लाख से भी अधिक कर्मी पूरे देश में तैनात हैं। CRPF ने दिल्ली से लेकर दंतेवाड़ा तक दूर दराज इलाकों के समुदाय को और जरूरतमंद वर्गों की मदद की है। ऐसी ही एक सेवा अभियान में CRPF की एक बटालियन ने रायपुर में 1 लाख किलो चावल वितरित किया है। CRPF की मददगार नामक राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन भी लोगों की मदद कर रहा है। CRPF ने टेलीमेडिसिन की भी सेवा शुरू की है। सशस्त्र सीमा बल भी अनुकरणीय कार्य कर रहा है। इन्होंने भारत की सीमा पर फंसे नेपाली नागरिकों को भी जरूरत की सभी चीजें प्रदान की हैं। जो इनके छुट्टी पर गए कर्मचारी हैं, उन्होंने भी स्थानीय प्रशासन में
स्थानीय क्षेत्रों में प्रशासन की सहायता की है। सीआईएसएफ के कर्मी भी इस लड़ाई में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, इन्होंने एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विदेशों से आए यात्रियों की स्क्रीनिंग और जल्द इमिग्रेशन में सहायता की थी। सीआईएसएफ के जो फायर सर्विस विंग है, उसके सभी 103 यूनिट आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन में जिला अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पूर्वी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते 300 से अधिक गांव में न सिर्फ लोगों को आधारभूत जरूरतें मुहैया कराई हैं, बल्कि उनकी चिकित्सा संबंधी सुविधा जो उनको जरूरत है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। पाकिस्तान से लगती हुई 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो किसान अपने खेतों में फसल काटने जा रहे हैं, उनके इक्विपमेंट की सैनिटाइजेशन में भी इन्होंने मदद की है। बीएसएफ ने मेघालय में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध कराया है। इस प्रकार वो दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम की सुविधा भी आम जनता को मुहैया करा रहे हैं। बीएसएफ ने अपनी पेट्रोलिंग में काफी वृद्धि की है, जिससे कि सीमा पार से कोविड-19 के केस ना बढ़ पाए। आईटीबीपी कोविड-19 की लड़ाई में शुरू से जुड़ा हुआ है। इसने देश की सबसे पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की थी। पहाड़ी क्षेत्रों में ये भी काफी योगदान दे रहे हैं। असम राइफल्स ने रिमोट एरियाज में किसानों की कृषि उपज खरीद में मदद की है। इसके अलावा उन्होंने अनाथालय और वृद्धाश्रमों को भी अडॉप्ट किया है। एनएसजी ने अन्य कदमों के अलावा एक हबलेस सैटेलाइट टर्मिनल इस्टेब्लिश करके कम्युनिकेशन बैकबोन को और स्ट्रेंथन किया है। एनडीआरएफ ने आज तक 61,000 लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स लगभग 8,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन करके एक एनडीआरएफ फ्रेंड्स का अभियान शुरू किया है, जो कोविड-19 के क्षेत्रों में काफी अपना योगदान दे रहा है। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1993 कंफर्म केसेस आए हैं, जिससे कि हमारी टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 35,043 केसेस हो चुकी है। इनमें से 25,007 केसेस प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेस एंड कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जितने भी केसेस आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए। वह केसेस और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर, जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेस आए हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलीनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में, जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्यूनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्यूनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन कि केसेस का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशन या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलीनेट करना है। इसके साथ ही इन एरियाज में एक बफर जोन भी डिक्लेयर करनी चाहिए अराउंड द कंटेनमेंट जोन, और कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज पर प्रोहिबिशन रहे। वहां हमारा मुख्य एफर्ट हो कि एक तरफ हम जब स्ट्रिंजेंट पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पेशल टीम्स बनाकर कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्विलेंस की जाए। ये स्पेशल टीम्स सभी केसेस को एक्टिवली सर्च करें, उनका फोकस आईएलआई यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस
और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रम के केसेस को डिटेक्ट करने में लगे। सभी केसेस जो पाए जाएं उन पर टेस्टिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपलिंग उनकी की जाए, सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं और उसी के साथ ही जितने भी पॉजिटिव केसेस पाए जाएं उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से क्लिनिकल मैनेजमेंट कर फेटेलिटी को कम से कम करके उन पेशेंट्स को रिकवर कराया जाए। इसी तरीके से हमारे एफर्ट्स होने चाहिए कि हम एक्सटेंसिव सर्विलेंस करें ILI और सारी केसेस की बफर जोन में इन ऑल द हेल्थ फैसिलिटीज, ताकि ओवरऑल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू हम ब्रेक कर पाए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को। आज जब COVID-19 पेंडेमिक से हम डील कर रहे हैं तो हम लोग लाइफ की नई रियलिटीज को भी फेस कर रहे हैं। एज पीपल से कि वी आर गोइंग टू सी ए न्यू नॉर्मल, हमें जरूरत है कि हम सावधान रहें, जागरूक रहें और हर तरीके से सतर्क रहें। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सरकार के द्वारा दिए हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। हमें कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं कि जब हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहें तो डायरेक्ट और कन्फाइंड कॉन्टैक्ट से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करते हुए हम लोगों से मिलें और उसके हिसाब से अपना दिनचर्या प्लान करें। किसी भी एरिया में कंजेशन से बचने के लिए स्टैगर्ड टाइमिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें। हैंड्स को अपने वॉशिंग हैंड्स विद सोप वाटर या सैनिटाइजर का उपयोग, इसके थ्रू हम हैंड हाइजीन को प्रमोट करें। जो भी फ्रीक्वेंटली टच सर्विसेज हो सकती हैं जैसे कि टेबल टॉप्स, चेयर के हैंडल्स, कीबोर्ड्स, माउस, माउस पैड एटसेट्रा, उनको नियमित रूप से डिसइंफेक्ट और साफ करते रहें और सभी लोग मास्क या फेस कवर एज अप्रोप्रिएट उसका इस्तेमाल करें। हमें यह समझना चाहिए कि मास्क पहनने वाला व्यक्ति बीमार व्यक्ति नहीं है। मास्क पहनने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने समाज के बारे में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और विचारशील है। अपनी सुरक्षा के लिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड की जाए। इस लड़ाई में पूरा दुनिया जुड़ी हुई है। उस समय पर अगर इंडिया को सक्सेसफुल होकर इससे निकलना है तो जरूरत है कि हम सिंपल एक्शन जो कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं जैसे कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। धन्यवाद फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है कि सरकार ने 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स गठित किए हैं। हमारे पास ऑलरेडी 4 ग्रुप्स की जो है प्रेजेंटेशन हो चुकी है। आज हमारे साथ हैं चेयरमैन एम्पावर्ड ग्रुप 3, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर अपना प्रेजेंटेशन। जी मैं सबको पहले तो नमस्कार और गुड आफ्टरनून। हमारा ग्रुप 3 का जो बेसिक हमारा जो जवाबदारी है वो है कि जो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है उसको हम उसका अवेलेबिलिटी नक्की करें। तो इसमें जो मोटी मोटी जो मैं बड़ी जो बताना चाहता हूँ, ये तो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, PPEs, N95 एंड 99 मास्क, डायग्नोस्टिक किट्स और दूसरा जो भी हमको दिया जाए काम में जैसे भी समय जाता है इसका। तो नेक्स्ट तो इसमें इस पहली बात मैं बताना चाह रहा था कि भारत का हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें मैंने जो बताया उसका बहुत बड़ा डिमांड था, ग्लोबल डिमांड अभी है और पूरा विश्व उसको परचेज करना चाहता है। पूरे विश्व में से उसका प्रोक्योरमेंट चल रहा है, ये हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें दूसरा चैलेंज था कि वो हमारा अब तक भारत में ये लार्जली इम्पोर्ट होता था और जो बनता था वो भी बहुत कम बनता था। PPE N95 भारत में बनते नहीं थे, वो इम्पोर्ट होते थे। थोड़ा वेंटिलेटर्स बनता था, टेस्टिंग किट्स थोड़े बनते थे। तो हमारा स्ट्रेटेजी ये रहा हमारा ग्रुप का, हमको मैंडेट भी दिया गया कि इसको एक जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखा जाए, एक अवसर की तरह देखा जाए और भारत के जिसकी अपनी एक इंडस्ट्री बहुत बड़ा बेस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो उसका उपयोग करके हमारे भारत में ही एक मैन्युफैक्चरिंग बेस ये सबका क्रिएट करना चाहिए और सप्लाई चेन बनाना चाहिए। इसके लिए हमने 3 प्रकार से काम करना शुरू किया। एक तो था कि जो हाल में जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कैपेसिटी बढ़ाया जाए, उसकी कैपेसिटी जो है इसको एक्सपांड किया जाए। उसके लिए उसको क्या क्या जरूरत है उसका हमने लिस्ट बनाया और बाद में उसको हमने मदद करना शुरू किया। दूसरा किया कि कोई नया मैन्युफैक्चरर बन सकता है, उसके लिए क्या उनको मदद कर सकते हैं हम, तो उसका हमने शुरू किया। तीसरा है हमने हैंड होल्डिंग एंड फैसिलिटिंग, मैंने जनरली बताया कि बहुत जरूर पड़ती है, उनके लिए मटेरियल बनाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, ये किया। एंड इसके लिए हमने
हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स ऑफिसर्स एंड साइंटिस्ट को हमने एक टीम बनाया। हर चीज का मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे काम किया है। एंड इम्पोर्ट्स हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर नहीं करते हैं, उसके भी हमने ऑर्डर किए हैं, लेकिन वो एब्सोल्युटली टाइमलाइन मीट करना है, तभी हमने इम्पोर्ट का हमने उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा अब वेंटिलेटर में देखिए, जो हमको रिक्वायरमेंट दिया गया है ये 75,000 है। अच्छा ये है 3 महीने का है, अप्रैल मई एंड जून। अच्छा इसमें से आपको बताएं कि 19,000 तो आज भी हमारे पास है। अच्छा हमने 7,884 जितना ऑर्डर कर दिया है, इसमें से आपको बताएं कि खाली 1,000 हम खाली इंपोर्ट कर रहे हैं। 7,884 में से 59,884 दिस ऑर्डर्स वी हैव गिवन टू द लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड वी हैव आइडेंटिफाइड 7 मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री। जो मैं बराबर अभी मैं बताता हूं आपको कि बेल जो हमारी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है और स्कैंड्रेकर की एक कंपनी है, ये दोनों को मिलकर 30,000 का ऑर्डर दिया है। मारुति सुजुकी एंड आगवा करके है, आगवा एक न्यू स्टार्टअप है, उसको 10,000 का ऑर्डर दिया है। एंड आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन है, बहुत बड़ा PSU है स्टेट गवर्नमेंट का और भारत सरकार की सहायता से बनाया गया है, उसका 13,500 का हमने ऑर्डर दिया है। उनको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी वर्ल्ड बैंक थ्रू उनको लोन और सहायता दिया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा वेंटिलेटर में हमने एक किया है कि उनको हमने पहले तो लॉजिस्टिक में हमको बहुत मदद करना पड़ा उनको, बाद में न्यू सप्लाई चेन बनाना पड़ा, तो इंडिया भारत में ही जहां जहां बन सकता है, क्योंकि विश्व में भी इसके स्पेयर पार्ट मशीनरी आज मिलना बहुत डिफिकल्ट है, तो हमने यहां ही भारत में ही कहीं कौन बना सकता है, ये सबको आइडेंटिफाई करके उनके साथ में मिलके काम किया। इसमें DRDO जो है वो और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लोगों ने साथ में थे ये लोग। अच्छा बाद में ये हमने उनको स्पेसिफिकेशन है इसके साथ में मिले, इसके लिए उसको स्पेसिफिकेशन तैयार करने में, प्रोटोटाइप तैयार करने में, डिजाइन तैयार करके उसको मंजूरी देने में काम किया। अच्छा ट्रेनिंग एंड, अच्छा अभी ये हमारा जो ये है उसका अभी 4 कंपनी का फर्स्ट लॉट आ गया है, उसका टेस्टिंग चल रहा है। ये इतने कम समय में उसका फर्स्ट लॉट आ भी गया है, टेस्टिंग भी चल रहा है और मुझे लगता है कि ये अभी उसका डिलीवरी शुरू हो जाएगा। ये महीने में हम सोच रहे हैं कि उसका 15,000 तक का हमको वेंटिलेटर्स मिल जाएंगे मिनिमम। अच्छा इसके लिए हमें ट्रेनिंग एंड अदर प्रोटोकॉल ऑलरेडी इश्यू कर दिए हैं कि नए वेंटिलेटर्स से लगेंगे तो उसको कैसे चलाना है, इसके लिए डॉक्टर्स को ट्रेन करने का प्रोटोकॉल हो गया है और उसको जो लॉजिस्टिक जो करना है, इसको कंज्यूमेबल जो उसके जरूरत पड़ता है रोज ICU में जो जो चीजें जरूर पड़ेगी उसका भी लिस्ट बन गया है, और सप्लाई जो मैन्युफैक्चरर है उसको बताया गया है कि ये आप हर राज्य में जहां भी ये लगेंगे वेंटिलेटर्स को दिया जाएगा, तो ये हमने कर दिया। अच्छा एंड हमको ये विश्वास है कि जितना भी रिक्वायरमेंट है भारत का ये इसको हम मीट कर पाएंगे। नेक्स्ट, अभी ये दूसरा है कि अभी वेंटिलेटर्स का यूज है भारत में, अभी जरूरत कम पड़ी है। ऑक्सीजन का एक ऊपर बहुत ध्यान दे रहे कि ICU में जो जाएंगे वो ऑक्सीजन की भी उसको जरूरत पड़ेगी, और मैं जो बताने में हर्ष होता है कि हमारे भारत में ऑक्सीजन प्रोडक्शन इनफ है, जो भी जरूरत होगी उसको हम दे पाएंगे, हमारे पास सिलेंडर्स भी इनफ है। अच्छा अभी हमने एक काम किया है कि जो हमने इसका स्टेटस में बताता हूँ ऑक्सीजन के बारे में, कि 6,400 मैट्रिक टन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसमें से 1,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन में यूज होता है, उसको बढ़ाना है तो कोई तकलीफ नहीं है, बढ़ा सकते हैं। अच्छा हमारे पास 5 बड़े मैन्युफैक्चरर हैं ऑक्सीजन के, 600 स्मॉल है, उसका पूरा इन्वेंट्री बनाया गया है, उसका पूरा मैपिंग हुआ है। अच्छा इनका इन्वेंट्री और मैपिंग करके हमारी जितनी कोविड हॉस्पिटल है इसके साथ में मैपिंग कर दिया गया है। अच्छा हमारे पास 409 ऐसी भी हॉस्पिटल है जो अपने आप ऑक्सीजन बनाती है, उसका भी हमने लिस्ट किया है और मैपिंग में उसको मैपिंग बनाते समय ध्यान दिया हुआ है। हमारे भारत में क्रायोजेनिक टैंकर्स है, ये जो ऑक्सीजन ले जाते हैं इसके लिए 1,050 टैंकर्स है, जो पर्याप्त है, ये मैं बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट, जो हमने जो अभी किया है कि हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मैं बात करना चाहता हूँ, तो 4,38,000 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल है, जो आज की जरूरत के लिए पर्याप्त है। हमने 1,03,000 नया सिलेंडर परचेज किया है, पहली बार भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पहली बार परचेज कर रही है और परचेज करके हम इसको सप्लाई चेन में डालेंगे, तो 1,03,000 का ऑर्डर दिया है और सब भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं। अच्छा दूसरा हमने तैयार करके रखा हुआ है कि हमारे पास 5,00,000 ऐसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है जिसको हम इजीली
मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें कोई खर्च भी नहीं होता है। तो ये हमारे पास 5 लाख है, लेकिन अभी हमको जो रिक्वायरमेंट दिया है इसके मुताबिक 60,000 का ऑलरेडी हमने ऑर्डर कर दिया है और हर राज्य को बता दिया है, वो वहां से मंगवा सकते हैं, वो सप्लाई चेन ऑलरेडी है, इसी में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट आया पीपी जो सब आप सब। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।